नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। नगर निगम जगदलपुर के सामान्य सभा आगामी शुक्रवार को सुबह 12 बजे से प्रशासनिक भवन में शुरू होगी। इसमें एक घंटे का प्रश्नकाल होगा, जिसके बाद बजट पेश किए जाएंगे। इधर सामान्य सभा के पूर्व ही नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे का कहना है कि इसके पूर्व भी सामान्य सभा हुई थी, जिसमें अध्यक्ष ने कहा था कि 2 माह में सामान्य सभा बुलाई जाएगी, परंतु आज 5 माह बीत गए, इसके पश्चात क्यों नहीं बुलाए गए और 31 मार्च को बजट पेश किया जाएगा, वह बहुमत की दादागिरी से पास कर दिया जाएगा। विपक्ष की आवाज को दबाने का पूरा प्रयास किया जाए, फिर भी विपक्ष अपनी बातों को रखने के लिए तैयार है। वही अध्यक्ष का कहना है कि हमने कभी भी पक्षपात नहीं किया है, सभी को अपनी बात रखने का मौका देते हैं, पक्ष भी और विपक्ष भी एक समान है। विपक्ष ने आरोप लगाया है, ये गलत है। मैंने पिछले सामान्य सभा में जरूर कही थी कि हर 2 महीना में मैं सामान्य सभा रखूंगी, लेकिन जब मैं 2 महीने के बाद लेटर जारी करी, मेरे सामान्य सभा के सचिव ने, मैंने आदेश किया सामान्य सभा के सचिव को, उन्होंने सभी विभागों को लेटर जारी किया। लेटर जारी करने के बाद उन्होंने कहा कि कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा नहीं रहने के कारण से सामान्य सभा नहीं रखी। उसके बाद जैसे हमारे यहाँ नगर निगम में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, 1/3 48 पार्षद हैं, 1/3 पार्षद अगर मेरे को लिख के देते हैं तो मैं सामान्य सभा, शहर विकास के लिए सामान्य सभा रखने का मेरे को अधिकार है। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि हमारी बातों को नहीं सुना जाता है। मैं बराबर जिस कुर्सी में मुझे बिठाया गया है, मैं सभी को सम्मान रूप से देखती हूँ और सभी को बोलने का मौका देती हूँ। विपक्ष जब भी अपना प्रश्न लगाते हैं, उनका पूरा प्रश्न को सुनने का मैं पूरा प्रयास करती हूँ, और उन्होंने प्रश्न लगाते हैं तो उसका जवाब भी उनको मिलता है, और जो समय सीमा खत्म हो जाता है तो उसका लिखित में जवाब उनको दिया जाता है विभाग के द्वारा। मैंने सामान्य सभा में निर्देश कर देती हूँ कि सभी विभागों को जाके जो प्रश्न लगाए हैं उसका सुनवाई नहीं हुआ है तो उसको लिखित में आप जवाब दे। तो अभी तक उन्होंने, जैसे पिछले समय में मैंने उनको निर्देशित किया था सामान्य सभा में कि जो प्रश्न को सुनवाई नहीं हुआ उसको आप लिखित में जवाब दीजिए बोलकर मैं अधिकारियों को निर्देश दिया था, लेकिन जब दूसरा सामान्य सभा होता है तो उसमें कभी किसी ने, पार्षद ने नहीं कहा कि आपका जो लिखित में जो आदेश देने का वो हमको नहीं मिला, किसी सदस्य ने मेरे तक शिकायत ऐसा अभी तक दर्ज नहीं किए हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं हमेशा ऑफिस में बैठती हूँ, मेरा दरवाजा, मेरे ऑफिस का रूम का दरवाजा खुला है, वो समस्या लेके आए, वो मेरे को बताएं तो मैं उस विभाग का अधिकारी को बुला करके मैं पूछूंगी कि भाई जो प्रश्न ये लगाए थे इसका जवाब सभी को मिला क्यों नहीं दिए, मैं बिल्कुल पूछूंगी। अगर अधिकारी जवाब नहीं देते हैं तो उसका भी मैं कार्रवाई करूंगी, अधिकारी के प्रति मैं कार्रवाई करने में मैं बाधित हूँ। तुम्हें नगर निगम की कांग्रेस सरकार वास्तव में पूरी गुंडागर्दी की और तानाशाही और बहुमत की गुंडागर्दी की सरकार है, यहाँ पर विपक्ष को कभी मान्यता नहीं देगी, विपक्ष के तर्कों का इनके पास कोई जवाब नहीं होता। अध्यक्ष मेहता महोदय, 6-6 महीने में देखिए कितनी बड़ी बात है, पूरे भारत का रिकॉर्ड होगा नगर निगमों का, 24 बार सामान्य सभा हो जाने चाहिए थे, परंतु यहाँ पे मात्र 8 सामान्य सभा अभी तक हुए हैं, एक्ट का खुला उल्लंघन होता है। पिछली बार अध्यक्ष महोदय, नगर निगम की अध्यक्षा ने कहा कि हम हर 2 महीने में, जब उनके ऊपर दबाव पड़ा विपक्ष का, तो कहा कि हम 2 महीने में निश्चित रूप से बुलाएंगे, और ऐसा कम से कम 10 बार बोला, परंतु अभी देखिए क्योंकि मार्च है, बजट एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसको पास करना होता आवश्यक होता है, इसलिए संभवतः ये बजट सत्र लाया गया, सामान्य सभा हो रही है, अन्यथा अभी सामान्य सभा करने में इनको और 2-3 महीने लग जाते हैं।